जिसने किया अंधे कत्ल का खुलासा। विगत दिनों ग्राम नेगमा के पास पुलिस को एक शव बरामद हुआ जिसकी शिनाख्त अशरफ खान के रूप में हुई। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई थी। वही जांच में पता चला कि युवक रुपए ब्याज पर देने का काम करता था। इसी आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गए और उन्होंने बताया कि रुपए का ब्याज बढ़ने के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं युवक को उन्होंने पैसा देने के बहाने गांव के बाहर बुलाया, जहां पैसा ना देते हुए उसका गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही शव को नेगमा के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र किरार श्यामलाल निवासी बमोरी सियानंद एवं गजराजपुर कोमल सिंह पाल निवासी कुसमदा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश किया गया। सात तारीख को बमोरी के निवासी अशरफ उर्फ भूरी खान की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। 6 तारीख को वो अपने घर से निकला था, उसके बाद से लौटा नहीं था। और उसके बाद 11 तारीख को उसकी नेगमा के पास में थाना कैंट अंतर्गत क्षेत्र में वहाँ उसकी बॉडी मिली थी। पीएम पे ये पाया गया था कि उसका गला दबा के हत्या करी गई है और इस संबंध में पुलिस ने फिर विवेचना जारी करी और उसमें चार हमने इसमें लोगों को पकड़ा है। उन चारों ने जो है इस घटना को करना इसमें अंजाम देना बताया है। और इसमें जो बात आई है वो ये कि इन पे कर्ज था, भूरी के द्वारा इनको पैसे दिए गए थे ब्याज पर और ये पैसा नहीं चुका पा रहे थे और भूरी ने जो है इनको बातों ही बातों में इनको पैसों की मांग करना शुरू कर दिया था, जिससे जो है घटना इन्होंने बचने के लिए ये कार्य करी है। इसमें चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको आदम पेश कर तो महिला का इससे कनेक्शन नहीं आया नहीं इसमें जो है कोई महिला संबंधी कनेक्शन नहीं निकला है।